हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है तबेस और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तबेस क्लासेस में। तो आप सभी को पता होगा हमारी एक सीरीज चल रही है जो कि है क्लास 9 साइंस, और उसमें है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 को हमने पूरा फिनिश करा दिया है एंड इसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका हिंदी में हम बोलते हैं इसको क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा कल डिस्कस किया था, क्योंकि आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 2 रहेगा। लेक्चर नंबर मैंने 1 को कल बना दिया है एंड इसका आज की जो हमारी जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो कल हमने बहुत कुछ बता दिया था, यदि आपको नहीं पता है तो पहले लेक्चर नंबर 1 को जाके देखिएगा। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक है ओनली। क्या है एनसीईआरटी, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है आज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन के प्रकार। हमको आज पढ़ना क्या है, हमको आज पढ़ना है बिलियन के प्रकार। क्या पढ़ना है, बिलियन के प्रकार। और मैंने बताया था कि जो यदि मैं या तो सॉल्यूशन वर्ड को यूज करूं या होमोजीनियस को मिक्सचर को यूज करूं, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, इसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। तो इसलिए आपको आगे की जब आप क्लास में पढ़ोगे तो आपको एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, और अब चैप्टर नंबर 1 है, पहले वो चैप्टर नंबर 2 था क्लास 12 में, जिसका नाम है सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी में बिलियन। क्या है, बिलियन। तो आज के हम लेक्चर में सीधा स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो टाइप्स ऑफ जो सॉल्यूशन है, क्या कहा मैंने, जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन है। कितने टाइप के, 3 टाइप के। जनरली तो सॉल्यूशन बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 टाइप के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है और आपके बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला जो सॉल्यूशन आता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संतृप्त विलयन। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संतृप्त विलयन। इन सभी के बारे में मैं खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। एंड सेकंड नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं संतृप्त विलयन, और इसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। यदि कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट कर दिया करें गाइस। एंड तीसरे नंबर पे जो सॉल्यूशन आता है उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन, इसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। इनके बारे में मैं अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको एक बोतल लेनी है। क्या लेनी है, एक बोतल। यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे कोई कंटेनर बनाया, ये क्या बनाया, एक कंटेनर बनाया। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी क्या किया, यहाँ पे भी एक कंटेनर बनाया, और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर को बनाया है। ऐसे ही आपको समझ में आएगा तो थोड़ा ध्यान से देखेगा। तो मैंने तीनों के लिए एक एक कंटेनर बनाया है, आप ये समझिएगा कि ये बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं, कुछ सेम से समझिएगा। मैं आपको जस्ट यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इसकी थोड़ा बहुत ज्यादा छोटा है, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे तीनों के लिए क्या बनाया है, एक कंटेनर बनाया है, ठीक है। अब समझते हैं इसको, तो मान लीजिएगा कि मैंने इन तीनों कंटेनर में वाटर को डाल दिया है। क्या कर दिया है, मैंने मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जनरली मैं मान रहा हूं कि मैंने 100 ग्राम, क्या कहा, 100, ये जो लिखा है, ये लिखा है 100 ग्राम, कितना लिखा रहा हूं मैं, मैंने 100 ग्राम वाटर को डाला है तीनों सॉल्यूशन में। मैंने यहाँ पे भी कितना डाला है, वाटर है, क्या है, 100 ग्राम। यहाँ पे भी कितना है, 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम है, मैं क्या डाल रहा हूँ, वाटर। ये क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर। तीनों में लिख लीजिएगा कि मैंने सभी में एक कंटेनर लिया और उसमें क्या किया, 100 ग्राम वाटर को डाला, ठीक है। अब उसके बाद मैं कर क्या रहा हूं कि वाटर में मुझे कुछ मिक्सिंग करनी है, क्या करनी है, मिक्सिंग। अब सॉल्यूशन पड़ रहे हैं तो मैं कुछ मिलाना तो पड़ेगा, क्योंकि और मिलाना है तो ऐसा मिलाना पड़ेगा कि जो मिक्स हो जाए,
क्योंकि मिक्स ना हुआ तो वो हेट्रोजीनियस बन गया, और हेट्रोजीनियस बन गया तो वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ में आया होगा, सॉल्यूशन कहोगे तो वहां पे होमोजीनियस भी यूज करोगे, क्योंकि होमोजीनियस इज अ सॉल्यूशन, होमोजीनियस ही सॉल्यूशन है। तो इस कंटेनर में मैंने 100 ग्राम वाटर को लिया। अब 100 ग्राम वाटर में मैंने कुछ सॉल्यूट डाल रहा हूं, यानी कि कुछ कोई सब्सटेंस डाल रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे चीनी को डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, शुगर, क्या डाल रहा हूं, चीनी डाल रहा हूं। अब इस कंटेनर में मैंने चीनी में डालता गया, कभी एक ऐसा समय आया, क्या कहा मैंने, कभी एक ऐसा समय आया कि वहां पे चीनी जो है घुलना बंद हो गई। मैं चीनी डालता गया, अमाउंट यानी कि जो मैं डालता गया, ध्यान में रखते उस पे जो मैंने तौला, यानी कि एक सब्सटेंस था वहां पे तौल के मैं डालता रहा, तो ऐसा समय आया कि इसमें चीनी घुलना बंद हो गई। और चीनी जो है मैंने इसमें, मान लीजिए कि मैंने 30 ग्राम चीनी, जब मैंने 30 ग्राम, मान लीजिए मैंने 40 ग्राम की 40 ग्राम इसमें चीनी पड़ी, क्या पड़ी, शुगर, और यहां पे आके वो जो है घुलना बंद हो गई, क्या हो गई, बंद। तो क्या कहा मैंने, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट अधिकतम घुला जा सकता है, यानी कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि घुल जाए, पर लेकिन घुलना उसमें, कभी एक ऐसा समय आया कि घुलना बंद हो गया। जरूरी नहीं है कि मैं एक जनरली वैल्यू लिख दिया कि 40 ग्राम पे जनरली बंद हो गया, ऐसा कोई वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, ध्यान से समझिएगा। तो एक ऐसा सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट, अब ये घुल जाएगा तो ये सॉल्यूट बनेगा, और ये वाटर है इसको हम क्या कहेंगे सॉल्वेंट, और ये शुगर है इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है इसका अमाउंट कम है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि संतृप्त विलयन कहते हैं। होता क्या है संतृप्त विलयन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है अधिकतम घुला जा सके, क्या घुला जा सके, अधिकतम, यानी ज्यादा से ज्यादा कब घुला जाए। ऐसा नहीं है कि वहां पे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं या कुछ करूं, तो ऐसे नहीं, सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है वाटर वो अपने आप घुले अपने आप, ऐसा नहीं कि हम उसमें कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, हम डाल रहे हैं घुल रहे हैं, कभी एक ऐसा समय आएगा कि वो जो घुलना बंद कर देगा, क्या कर देगा, घुलना बंद। समझिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन बनाया मतलब, सॉरी यहाँ पे एक कंटेनर लिया, जैसे एग्जांपल के थ्रो कल वाली मैंने बोतल ली, जैसे देखिएगा कल वाली मैंने एक बोतल को लिया। अब मान लीजिएगा ये जो है यहां तक मैंने बोतल भर ली है, अब मान लीजिएगा यहां तक जो इसका लेवल 1 लीटर है, मान लीजिए वैसे ये 750 ml की है, ऐसा नहीं, ठीक है, माने कि यहाँ पे 1 लीटर है, कितना है 1 लीटर, या माने कि यहाँ पे 100 ग्राम है, मैंने माना इस बोतल का लेवल यहाँ पे 100 ग्राम है, इसमें 100 ग्राम यहाँ तक वाटर आ गया। अब मैं इसमें चीनी डाल रहा हूँ, कैसे करके हिलाते चल रहा हूँ, ठीक है, पूरा चैप्टर आपका पानी पे ही और विलयन पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चीनी डाल रहा हूँ, घोल रहा हूँ, ऐसे करके घोलते जा रहा हूँ, तो चीनी, एक ऐसा समय आया कि चीनी इसमें घुलना ही बंद हो गई। तो हम उसी सॉल्यूशन को, जिस समय पे चीनी घुलना बंद हो रही है, उसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट अधिकतम घुला जा सके, एक ऐसा विलयन जिसमें सॉल्यूट जो है अधिकतम घुला जा सके, ठीक है। तो ये होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, समझ में आया होगा। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अब इसी का जस्ट थोड़ा सा कम, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट को डाल रहे हैं, इसमें क्या डाल रहे हैं, शुगर को ही ऐड कर रहे हैं, पर लेकिन कभी एक ऐसा समय आया कि इसमें 30 ग्राम पे ही घुलना बंद हो गया, किस पे, 30 ग्राम पे ही घुलना, यानी कि अमाउंट जो है सैचुरेटेड से थोड़ा कम होता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने, कि हमें पहले एक कंटेनर लेना है, कंटेनर यानी कि मैंने एक बोतल को लिया, और उसी लेवल यहाँ पे भी 100 ग्राम था, पर मैं चीनी डालता गया, तो एक ऐसा समय इसमें खुद, कभी तो एक ऐसा समय आया कि इसमें इसी बोतल में इसी पानी में 40 ग्राम पे आके घुलना चीनी बंद हो गई, ठीक है माना। अब एक ऐसा समय आया कभी
कि इसी में क्या कहा, इसी में कभी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर पहले 100 ग्राम था, उसमें 40 ग्राम आ रही थी कभी, और कभी ऐसा समय आया मैं चीनी डालता गया चीनी डालता गया, तो कभी एक ऐसा समय आया कि उसमें 30 ग्राम ही डिजॉल्व हो पाई, 30 ग्राम से ज्यादा नहीं हो रही थी, यानी कि पहले हो रही थी 40, अब हो रही है 30, यानी कि इससे थोड़ा कम, सैचुरेटेड से थोड़ा कम, तब भी विलयन बनेगा, तब भी मिक्स हो जाएगी। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, समझ में आया होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कि मैं मुझे जो है इस सॉल्यूशन में ये अभी तो यहाँ पे केवल सॉल्वेंट है, अब मुझे इसमें क्या कहा मैंने, अब मुझे इसमें मान लीजिए मुझे 50 ग्राम सॉल्यूट को ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मैंने पहले ही कह दिया कि इस बोतल में यानी इस कंटेनर में 100 ग्राम पानी है, इसमें अधिकतम तो घोला जा सकता था नॉर्मल टेम्परेचर पे 40 ग्राम, उसी को हम कह रहे हैं सैचुरेटेड। जरूरी नहीं है मैंने तो जनरली कोई वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे कभी एक ऐसा समय आया उससे थोड़ा कम घुल रही थी, तो उसी सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुझे इसमें घोलनी है 50 ग्राम चीनी, घोली जा सकती है 40 ग्राम, अब मुझे घोलनी है 50 ग्राम, तो मैं क्या करूंगा। तो मुझे तो आपका बहुत जल्दी से आंसर आएगा, कि सर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, यहाँ पे एक बर्नर लीजिए, इसको थोड़ा ऑन कर दीजिए, यहाँ पे आग निकलेगी और सॉल्यूट ऐड करते जाइए, तो यहाँ पे चीनी घुलती जाएगी। तो जी हाँ, आपका आंसर एकदम सही है। क्या कहा मैंने, तो यदि हमें 50 ग्राम, जिसमें मतलब 50 ग्राम जनरली लिख दिया मैंने, ऐसा फिक्स नहीं है, तो ऐसे तो कहा जाएगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर बढ़ा के सॉल्यूट की मात्रा हम बढ़ा दें, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा कर दें, किससे, सैचुरेटेड से, किस कैसी है ज्यादा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि अति, यहाँ पे है अति संतृप्त, अति संतृप्त का मतलब होता है उसमें अत, यानी कि जबरदस्ती करना, क्या करना जबरदस्ती, और जबरदस्ती हमको कुछ बोलना है तो भाई ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू कुछ ऐसे समझाता हूँ, समझिएगा। मान लीजिए आपको क्लासरूम में बैठाई हो, क्या कर दियो आपको, आपको आपको जो है एक क्लासरूम में बैठा दिया गया है, और उस क्लासरूम में सीटें हैं। अब उस क्लासरूम में सीटों के जो बच्चे बैठाए जा सकते हैं वो डिपेंड ऑन बच्चे, यानी कि वो बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो किस क्लास के बच्चे हैं। यदि जूनियर यानी कि हाई स्कूल या कोई क्लास 12th का या क्लास 9th का, कोई बड़े या कोई छोटे या 6th-7th के बच्चे, तो डिपेंड करता है बच्चों पर कि उसमें कितने बच्चे बैठाए जा सकते हैं। अब मैंने कह दिया कि वहाँ पे 50 बच्चों को बैठाना है, क्या कह दिया मैंने 50 बच्चों को बैठाना है, तो डिपेंडिंग ऑन बच्चे। अब मैंने मान लीजिए कि क्लास 6 के बच्चों को बैठाना है 50, तो आपने बैठा दिए। अब मैंने कह दिया कि इसी पे 50 बच्चे और बैठा लिए, यानी उन बच्चों को वहां से हटाइए, 50 बच्चे बैठा दिए। अब मैंने कह दिया कि जो हायर लेवल की जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं उनको बैठाइए, तो उनको बैठाना शायद मुश्किल होगा 50 की अपेक्षा, क्यों मतलब छोटे बच्चों की अपेक्षा, क्योंकि छोटे बच्चे बैठाए जा सकते हैं क्योंकि सीट बड़ी और बच्चे थोड़े छोटे। अब लेकिन बच्चे बड़े हैं उनकी अपेक्षा सीट छोटी है, तो उनको बच्चों को 50 को जो हायर जैन की जो बड़े लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको बैठाया नहीं जा सकता। यदि अब मैंने कहा कि उन्हीं बच्चों को एडजस्ट कैसे भी करिए कि वहां पे बैठाइए, कैसे भी कुछ भी करो वहां पे बैठा के दिखाओ, ये तो आप क्या करोगे, सीधा सा आंसर आएगा कि सर आप प्रिंसिपल को बुला दीजिए, प्रिंसिपल आएंगे, उनको चिल्लाएंगे, उनको कैसे भी कुछ भी कहेंगे कि एडजस्ट कर लो, तो यानी कि जबरदस्ती की जा रही है, तो उसको तो कह रहे हैं हम सुपर सैचुरेटेड। प्रिंसिपल साहब आए, प्रिंसिपल साहब ने कहा सीधे बैठो, सही से बैठो सब लोग, तो उन्होंने सबको उसी जगह पे उसी सीटों पे बैठा दिया, तो उसको तो बोलेंगे जबरदस्ती करके कर रहे हैं सुपर सैचुरेटेड। यदि नॉर्मली कहा बच्चों से बैठ जाइए, अब अधिकतम तो नॉर्मल टाइम नॉर्मली कहा कि बच्चे बैठ जाइए आराम से, तो उसको तो कहेंगे हम अनसैचुरेटेड। अब जो है कि टीचर ने कहा सही से बैठिए एकदम आराम से मतलब एकदम सही से सब लोग आ जाएं, तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड। यदि टीचर ने नहीं कहा बच्चे अपनी अपने मन की करते हैं तो अनसैचुरेटेड। यदि प्रिंसिपल साहब आए उन्होंने जबरदस्ती की तो तब वो बैठा रहे हैं, तो उनको सुपर सैचुरेटेड।
तो मैं आशा करता हूँ आपके सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें।